हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास प्रिंटर में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। विंडोज की प्रेस करते हैं, आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। फिर आप पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है, स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर सर्विसेज को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है रन कमेंट ओपन करना है। फिर आपको जो है यहां पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर सर्च बार में ये जो टेक्स्ट है, आपको ये टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। ये टेक्स्ट जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसको कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं विंडोज़ का जो फोल्डर है, आप इसको राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहां पर परमिशन पर क्लिक करना है और यहां पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इन सारे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर यहां पर फुल कंट्रोल जो है आपको ऑन कर देना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।